आंदोलन से जुड़ी हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। किसान आंदोलन में शामिल एक और किसान की दुखद मौत हुई है। कड़ाके की ठंड पर दिल्ली की सीमाओं पर डटा था किसान और बीमार था, निमोनिया का शिकार बताया जा रहा है किसान। किसान का नाम प्यारा सिंह है। जत्थेबंदियों ने उठाई परिवार को आर्थिक मदद मुहैया कराने की मांग। तो एक और दुखद खबर आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी एक और किसान ने कड़ाके की ठंड के बीच दम तोड़ दिया है। निमोनिया का शिकार था किसान। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के चलते एक और किसान ने दम तोड़ा है। तो ये दुखद खबर हम आपको किसान आंदोलन से जुड़ी दे रहे हैं, जहां पर कड़ाके की ठंड में दिल्ली में एक और किसान ने दम तोड़ दिया है। जो मृतक किसान प्यारा सिंह, वो निमोनिया का शिकार था और काफी समय से बीमार चल रहा था। तो आपको बता दें कि अब तक 40 से अधिक किसानों ने दम तोड़ दिया है इस किसान आंदोलन के चलते। एक और दुखद खबर हम आपको दे रहे हैं, एक और किसान ने इस आंदोलन में अपनी शहादत दी है। परिवारों को आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं अब किसान जत्थेबंदी। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक खबर, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन में शामिल एक और किसान की दुखद मौत हुई है। ये किसान जो है निमोनिया का शिकार बताया जा रहा था, कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमा पर डटा हुआ था और किसान जत्थेबंदियों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है प्रशासन से। परिवार को आर्थिक मदद देंगे किसान जत्थेबंदी, ये भी कहा जा रहा है। निमोनिया का शिकार हुआ था ये किसान। तो आपको बता दें कि 40 से अधिक किसानों की दुखद मौत इस आंदोलन के बीच हुई है। एक और किसान ने दम तोड़ दिया है, जो काफी समय से बीमार चल रहा था, निमोनिया का शिकार बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक और किसान ने इस आंदोलन में शहादत दी है। आपको बता दें कि 40 से अधिक किसानों ने अब तक दम तोड़ा है। कईयों की मौत दिल्ली की सीमाओं पर ठंड के चलते हुई है। हालांकि आपको बता दें कि ठंड जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, फिर भी किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। उग्र आंदोलन का चेतावनी किसान दिन प्रतिदिन दे रहे हैं। इनका आंदोलन, किसानों का आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच दुखद खबर हम आपको दे रहे हैं, किसान आंदोलन के बीच एक और किसान ने दम तोड़ दिया है। हालांकि सवाल अब यही उठता है कि आखिर इन किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है। लगातार केंद्र सरकार जो है किसानों की मनाने की कवायद चल रही है, लेकिन जो है अभी तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है जिसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। 30 दिसंबर को 7वें दौर की बातचीत होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि क्या किसानों को एक और तारीख मिलती है या फिर ये गतिरोध यहीं पर थम जाएगा, क्योंकि लगातार दुखद खबर आ रही है। किसानों की मौत जो है बेहद दुखद है। एक और किसान ने कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ था ये किसान। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भीष्म गोयल जो है जुड़े हैं। भीष्म, एक और किसान की दुखद मौत हुई, आखिर किसे माना जाए इन किसानों की मौत का जिम्मेदार? जी दीपिका, बताना चाहूंगा कि किसानों का जो आंदोलन है वो लंबे समय से जारी है और अब करीब 35 दिन हो गए हैं जो किसान है दिल्ली में डटे हुए हैं। और यह जो किसान है गाँव धर्मपुरा मानसा जिले का एक गाँव है और ये किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली समेत जो दिल्ली में शामिल था, लेकिन सर्दी ज्यादा होने के कारण इसको जो निमोनिया हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन आज उसकी मौत हो गई है। किसान जत्थेबंदियों ने जो है पंजाब सरकार से किसान के परिवार के लिए आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी और इस किसान के सिर जो कर्ज है उसे माफ करने की मांग की है। जी भीष्म, इनको कौन से अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और कहां पर? जी, इन्हें यहाँ पहले मानसा लाया गया था और उसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जो बीमारी के कारण इनकी मौत होगी, ये लंबे समय से जो है संघर्ष में शामिल थे, इसलिए इन्हें जो जत्थेबंदियों की ओर से शहीद का ही दर्जा दिया गया है और उन्होंने मांग भी की है कि जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाएं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि जो मृतक किसान है ये मानसा का बताया जा रहा है और काफी समय से बीमार चल रहा था। तो लगातार जो है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल आपसे अपील करता है, जो किसान बीमार है वो घर पे ही रहे। आंदोलन बेशक जारी है, लेकिन अपनी सेहत जो है वो पहले है।